चुनाव से पहले बयानबाजी देना और आरोप लगाना एक रीति रिवाज सा बन गया है। ऐसे में कभी कभी अपने ही लोग अपनी पार्टी के लोगों पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बीजेपी के नेता ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा है। हालांकि सभी यह जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी से ही महाराष्ट्र के सीएम हैं। ऐसे में अपने ही लोगों पर तंज कसना बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी नेता संत नहीं है और वे अपना हित साधने के मकसद से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास वॉशिंग पाउडर है जिसका इस्तेमाल कर वह ऐसे नेताओं को साफ कर देते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को कौवा बताया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने रविवार को बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस एनसीपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे सब संत नहीं हैं और बल्कि अपना हित साधने के मकसद से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, कांग्रेस और एनसीपी से बीजेपी में आ रहे नेता संत नहीं थे, लेकिन वे अपने स्वार्थ साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम के पास वॉशिंग पाउडर है जो उनको पूरी तरह साफ कर देता है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लोग बीजेपी में भरोसा करते हैं। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी के साथ साथ दूसरे दल भी प्रचार में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोलापुर में एक रोड शो किया जबकि सीएम फडणवीस राज्य में महाजनादेश यात्रा निकाल रहे हैं। संबोधन के दौरान अमित शाह ने यहां के लोगों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 48 में से 41 सीट देने के लिए धन्यवाद भी दिया। बीजेपी लोगों के ऐसे बयान क्या बीजेपी को चुनाव में जिता सकते हैं, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे बयान एक दूसरे के बीच खटास पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।